नमस्कार दोस्तों, विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12 जनवरी 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। तो चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के एमडी आरएस सोडी ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है सी, अमूल। तो चलिए बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ए, सुरेंद्र चावला। तो चलिए बढ़ते आगे। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल SKO लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, BPCL। तो चलिए बढ़ते अपने पांचवे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, DRDO। तो चलिए बढ़ते अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर है बी, 350 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते अपने सातवें प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का सातवां प्रश्न है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, हुबली। तो चलिए बढ़ते अपने आठवें प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा आठवां प्रश्न है, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, जापान। तो चलिए बढ़ते अपने नौवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नौवा प्रश्न, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है, इस उत्सव का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो चलिए बढ़ते अपने दसवें प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा दसवां प्रश्न, हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर है डी, असम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।